नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। बीते 48 घंटों से भी ज्यादा समय से मूसलाधार बारिश हुई, इससे नर्मदा और बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया। भारी बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा गुना रायसेन जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे के साथ साथ विदिशा जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित स्थान पर तो भेजा जा ही रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं बाढ़ के हालातों पर अब प्रदेश में राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने भाजपा के इस हवाई सर्वे पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार को एक इवेंट मैनेजर बताया। अभी मैंने विदिशा, गुना और राजगढ़ जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया। लगभग 25 गांव विशेषकर विदिशा जिले में ज़्यादा हैं, लेकिन गुना में भी राजगढ़ में भी कुल मिला के 25 गांव पानी में घिरे हुए हैं। बेतवा का जल स्तर अभी कुछ जगह स्थिर है, लेकिन गांव गड़ला ताजला जैसे गांव में ग्रामीण बुरी तरह से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हम वोट के माध्यम से भी निकाल रहे हैं लोगों को। एक ऑपरेशन में स्वयं मैं गया, वोट के माध्यम से लोगों को निकाल के लाए। संपत्ति के नुकसान का आकलन हम बाद में करेंगे, क्योंकि फसलें भी डूबी है और घर भी डूबे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता है लोगों की जिंदगी बचाना। शिवराज सरकार और मुख्यमंत्री जी स्वयं इवेंट मैनेजर हैं। 24 घंटे तक राजधानी में लाइट नहीं थी। पहली मंजिल तक लोगों के घरों में मल्टियों में पानी भरा हुआ था। सड़कों की और विकास की पोल इन 24 घंटों में खुल चुकी है। उनसे इतर मुख्यमंत्री जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सेवा में लगे रहे। आज इवेंट के रूप में हवाई सर्वे कर रहे हैं, बोर्ड पर बैठकर खुद रेस्क्यू कर रहे हैं। यह काम अधिकारियों का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। 17 साल तक रहने के बाद मुख्यमंत्री, उनकी अभी प्रचारवादी भूख समाप्त नहीं हुई है। हम तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी कम से कम अब इन चौंचलों को बंद करें और यथार्थ की जिंदगी जीते हुए प्रदेश के नागरिकों की मदद करें।